क्स्ट क्वेश्चन इन द प्रोडक्ट एफ वैक्टर क्यू वी क्रॉस बी क्यू इज क्यू वीटर जे क्या प्लस सिक्स के क्या एंड फोर्थर इज गिवन फाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर तो हमको ये जो फॉर्मूला होता है यह फॉर्मूला होता है किसी भी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स वो इस फॉर्मूले से हमको पता लग जाता है अब क्यू की जगह हमको क्यू ही गिवन है दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी जो है ना चार्ज की वो हमको ये गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड ये बी 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 नॉट ये हमको गिवन नहीं है लेकिन हमको क्या गिवन है ये फोर्स ये फोर्स फैक्टर में हमको गिवन है तो हमको जो गिवन डेटा है वो सारा का सारा इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है सॉल्व करके आंसर बन जाएगा हमारा देखो कैसे करेंगे सॉल्व तो फोर्स फैक्टर की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दूंगा Q की जगह वन लिख दूंगा वेलोसिटी वेक्टर की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्यूट कर दूंगा ठीक है तो मैंने यहाँ फोर्स वेक्टर लिखा क्यू की जगह वन दिस इज वी क्रॉस बी ये बी की वैल्यू मेरे को गिवन है ये मैंने पूरा बी वैक्टर लिख दिया बी वैक्टर दिस इज बी वैक्टर दैट इज बी आई कैप बी जे कैप बी नॉट के कैप Right. अब मुझे क्या करना है इन दोनों का और इनके करना है तो पहले वी के जोफिशियंट हैं आई जे के वो लिखेंगे टू फोर सिक्स फिर उसके बाद इसके फॉर्डनेट्स लिखेंगे बी 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 नॉट तो बी 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 नॉट उसके बाद क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने का क्या तरीका होता है पहले हम

बात समझ में तो हमने पूरी की जगह ये वैल्यू कर दी ये वन से मल्टीप्लाई करना था तो वही वैल्यू आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है और लेफ्ट साइड पर हमारा ये फोर्स है है ना ये वी क्रॉस भी अपन ने कर लिया अब फोर आई कैप को इससे रिलेट करो ये आई कैप है तो आई कैप आई कैप वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे जे कैप जे कैप वाली और के कैप के कैप वाली टर्म्स को करेंगे कंपेयर करेंगे तो आई कैप आई कैप वाली टर्म्स में क्या हो जाएगा फोर इज़ टू सिक्स सिक्स बी बी। नॉट माइनस सिमिलरली माइनस जे कैप है ना तो ये सिक्स बी नॉट मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो ये हो जाएगा आपका फोर बी नॉट फोर बी नॉट माइनस सिक्स बी किसके बराबर हो जाएगा फोर के और माइनस टू बी नॉट माइनस सिक्स बी है हाँ ना ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये माइनस टू बी नॉट प्लस सिक्स बी हो जाएगा ये किसके इक्वल होगा माइनस ट्वेंटी के और माइनस टू बी किसके इक्वल होगा ट्वेल्व के तो माइनस टू बी ट्वेल्व के इक्वल हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टू नीचे चला जाएगा बी आ जाएगा माइनस सिक्स अगर बी माइनस सिक्स आ गया तो बी की वैल्यू या तो यहाँ सब्सट्यूट कर दो या यहाँ सब्सट्यूट कर दो दोनों में सॉल्व करोगे तो बी नॉट आपका माइनस एट आ जाएगा लो बी भी आ गया बी नॉट भी आ गया अब बी और बी नॉट की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है अपन को तो माइनस सिक्स आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस एट के कैपना आंसर हो गया यही क्वेश्चन ने पूछा था थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो